फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना घी और बिना मावे से बनने वाली ऐसी मिठाई जिसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। ये मिठाई चावल के आटे की मिठाई है, जिसे चावल का मीठा पीठा या मीठे फर्रे भी कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 200 ml यानी करीब 2 कप दूध ले लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। जब दूध गर्म होने लगे तभी यहाँ पर हम इसमें 100 ग्राम चीनी डाल देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मुझे अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 100 ग्राम चीनी परफेक्ट लगती है। इसे एक कड़छी से मिक्स करेंगे जिससे कि चीनी पूरी तरह से दूध में घुल जाए। चीनी घुल जाने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं ये 50 ग्राम नारियल का बुरादा और फिर इसे दूध में 2 मिनट लो फ्लेम पर पकने देते हैं। ये देखिए, 200 ml दूध में 100 ग्राम चीनी और 50 ग्राम नारियल का बुरादा जब 2 मिनट के लिए पका लेंगे तो ये कुछ गाढ़ा दिखने लगेगा। अब यहाँ पर हम इसमें 100 ग्राम चावल का आटा डालेंगे। नारियल का बुरादा और चावल का आटा मिलकर इतना शानदार टेस्ट देते हैं कि जब आप ये मिठाई खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। इसमें फ्लेवर के लिए एक चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। इसे 5 मिनट तक लगातार लो फ्लेम पर हिलाते हुए मिक्स करेंगे जिससे कि ये पूरे दूध को सोख ले और हमारा ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट में ही ये मिलाते मिलाते अब इकसार होने लगा है। यहाँ हम गैस बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे जिससे ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए और ढका रहने के कारण इसका मॉइस्चर भी खत्म नहीं हो। 10 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा ये मिक्सचर इतना ठंडा हो गया है ना कि हम इसको हाथ से आराम से मिक्स कर सकें। मेरा ये मिक्सचर अब हल्का गर्म है, यानी मैं इसको आराम से अपने हाथ से गूंथ सकती हूँ। अब एक प्लेट को घी से ग्रीस करके इस मिक्सचर को इस प्लेट में निकाल देंगे। इसको अब हम उसी तरह से गूंथ कर सेट कर लेंगे जिस तरह रोटी बनाने के लिए आटा सेट करते हैं। जब ये हल्का गर्म होगा तभी आप इसे अच्छे तरह गूंथ सकेंगे। अगर ये ठंडा हो गया तो इसका इस तरह से डो नहीं बन पाएगा और ये बिखरा बिखरा हो जाएगा। हमारा डो सही सेट हुआ है या नहीं इसके लिए हम इससे एक पेड़ा बनाकर चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल सही सेट हो गया है। बस अब इस मिठाई को बनाने की 2 स्टेप्स और बची हैं। उसमें से पहली स्टेप तो ये है कि हम इस डो से मीडियम साइज की लोइयां बनाकर इसे रोल करते हुए इस तरह की शेप दे देंगे, जैसी शेप में बाजार में हलवाई के यहाँ चमचम मिलती है ना, वैसी शेप। आप चाहें तो इसे चपटा करके इसमें ड्राई फ्रूट की स्टफिंग करके इसके गोल गोल लड्डू भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने सभी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे, जिसके लिए एक चौड़े मुंह के बर्तन में या फिर कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे और इसमें बर्तन रखने का एक स्टैंड या फिर कटोरी जो भी आपके पास हो इस तरह से पानी में रख देंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक एक स्टीमर प्लेट या फिर कोई भी नॉर्मल प्लेट लेकर इसे घी से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से हमारी जो मिठाई है वो प्लेट में चिपकेगी नहीं। ग्रीस करी हुई प्लेट में ये रोल रखकर इसे स्टीम करने के लिए पानी के बर्तन के अंदर रखे हुए स्टैंड या कटोरी पर रख देंगे, लेकिन ये पानी में डूबना नहीं चाहिए। इसको सिर्फ पानी की स्टीम मिलनी चाहिए, यानी ये भाप में पकना चाहिए। अब इसे एक ढक्कन से ढक देंगे, लेकिन इस ढक्कन को हम इस तरह से कॉटन के कपड़े से कवर करके रखेंगे जिससे भाप से बनने वाली पानी की बूंदे हमारी मिठाई पर ना गिरे बल्कि ये कपड़ा उन पानी को सोख ले। अब इसे हम 15 मिनट लो फ्लेम पर स्टीम होने देते हैं। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि मिठाई की जो साइज है वो भाप से पककर थोड़ी बड़ी हो गई है। तो अब मिठाई को स्टीमर प्लेट में से निकाल लेते हैं। ये देखिए, सारी मिठाई को मैंने स्टीम कर लिया है। अब मैं इन पर नारियल के बुरादे की कोटिंग कर रही हूँ जिससे ये खाने में और दिखने में दोनों में ही सुंदर लगेंगे। अब लास्ट में आप इसको पिस्ता से या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट की कतरन से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। ये ऊपर से दिखने में जितनी अच्छी है खाने में भी ये उतनी ही स्वादिष्ट और मजेदार है। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की, आप भी झटपट से मिठाई बनाइए और मुझे कमेंट्स लिखकर बताइए कि आपको ये कैसी लगी।